नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीआरडी कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, पीआरडी कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और पीआरडी कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पीआरडी कैप्सूल पेट में उत्पन्न होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है। पीआरडी कैप्सूल का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, खट्टी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अल्सर होने पर पीआरडी कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। पीआरडी कैप्सूल को डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है। जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अल्सर हो सकती है, इसलिए इन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्टर पीआरडी कैप्सूल को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्ट्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ना हो, इसलिए आपका डॉक्टर पीआरडी कैप्सूल को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा पीआरडी कैप्सूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। पीआरडी एक ब्रांड नेम है। पीआरडी कैप्सूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। पीआरडी कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि पीआरडी कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में पीआरडी कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में पीआरडी कैप्सूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना, चक्कर आना व दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पीआरडी कैप्सूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक पीआरडी कैप्सूल का सेवन करने से, यानी कई महीनों या कई सालों तक पीआरडी कैप्सूल को लेने से शरीर में विटामिन सी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना पीआरडी कैप्सूल को 2 सप्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार पीआरडी कैप्सूल को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। पीआरडी कैप्सूल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब पीआरडी कैप्सूल का सेवन लगातार 1 साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से पीआरडी कैप्सूल को ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन डी के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि पीआरडी कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर पीआरडी कैप्सूल को दिन में 1 बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। पीआरडी कैप्सूल को खाना खाने से कम 1 घंटे पहले लेना चाहिए। पीआरडी कैप्सूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको पीआरडी कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं पीआरडी कैप्सूल को ले सकती है या नहीं। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए पीआरडी कैप्सूल का सेवन करना
करना रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को PRD कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को PRD कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका PRD कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।